नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी जो जनवरी 2020 को, उसका जो है क्वेश्चन पेपर आज हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ उसके ऑफिशियल आंसर भी बताएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा होती है उसमें क्या है, दो एग्ज़ाम होता है। एक जो पेपर फर्स्ट जो होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस का, और जो सेकंड जो पेपर होता है वो होता है अपना सब्जेक्टिव, जो आपका सब्जेक्ट होता है। तो जो जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरी आप लोगों से विनती है कि वीडियो के अंत तक बने रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें जो है टोटल फर्स्ट जो पेपर है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? तो गुप्त काल में जो रचा गया था, फर्स्ट का जो आंसर जो था वो था थर्ड अमरकाश। सेकंड जो है वो है प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मडल कुपो घेरेदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, वो है मौर्य काल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट था। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर में क्या है, ए और बी दोनों सत्य है। इसका आंसर जो है फोर होगा, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसर मंदिर का क्या है निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर पनगकरण। नेक्स्ट है, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के अनुसार कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जो था फाइव का वो है फर्स्ट, ये मेरठ ए बी सी, यानी कि पहले मेरठ आएगा, फिर बरेली, फिर झांसी, फिर कोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्स, 1847। इसका जो राइट आंसर है वो टू होगा, 1847। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सातवें का जो आंसर है वो फोर होगा, वो है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है, फोर में जो है ए बी डी दे रखा, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय से के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है टू, ये इसके बारे में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो है वो थर्ड है, वो है बूट एंड डिस्पेस। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन ए और तथा दूसरा जो है कारण है। तो अभिकथन जो है वो भक्ति संतों का आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं के प्रसार करने के लिए मुख्यतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया, ये इसका कारण बताया गया था। उपयुक्त कथनों को पढ़कर दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना था। तो दसवें का जो राइट आंसर जो था वो था टू, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये भी सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है एक दूसरे की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है 11 का वो थर्ड है, ये था कैप्टन शावर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो 12वें का जो आंसर है और 12 का जो है वह है राजस्थान केसरी से विजय सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? तो 13 का जो आंसर है वो है टू, मोहम्मद साकी।
नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन से पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे कौन कौन से मामले थे? तो इसका जो राइट आंसर जो था वो 14 का वो था 2, दान तथा धर्म संबंधी मामले क्या है पंडित राव द्वारा संभाले जाते थे। नेक्स्ट है, सूची एक मुगल उद्यानों को सूचित करती है और सूची दो शासकों को सूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 15 का जो आंसर है वो है 2। नेक्स्ट है, निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताएं। तो 16 का जो राइट आंसर है वो थर्ड है, 140 आएगी जब आप इसको क्या है सॉल्व करेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पे कि सॉल्व कर दूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस तरह के जो वीडियो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी और मेट्रोला नाम तीन ब्रांड के मोबाइल प्रयुक्त किए जाते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का प्रयोग में, 47 परिवार ठीक दो ब्रांड का उपयोग प्रयोग में और 8 परिवार तीन ब्रांडों के प्रयोग में लेता है। यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार कम से कम इन तीनों ब्रांड में से कम एक प्रयोग में लेता है। कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी तीनों ब्रांड प्रयोग में लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा 2, 117 परिवार हो गए। नेक्स्ट है, यदि किसी एक कूट भाषा को यदि फ्रेम बराबर 43 और HURDLE बराबर 68 हो तो फिगामेंट FIGMENT क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है 18 का वो है फर्स्ट, 74 आएगा। नेक्स्ट है, यदि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर है एक्स वाई हो तो एक्स वाई बराबर है, तो 19 का जो आंसर है वो 4 आएगा। नेक्स्ट है, यदि एन संख्याओं का माध्य एक्स है और प्रथम एन माइनस एक संख्या का योग है तो श्रेणी की अंतिम संख्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पाई चार्ट द्वारा छात्र चुनाव से प्राप्त वेद मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल वेद मतों की संख्या 720 थी तो जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया? तो इसका जो राइट आंसर आएगा 21 का वो फर्स्ट होगा, 40%। नेक्स्ट है, एक एक किस मान के लिए बहुपद, एक एक किस मान के लिए बहुपद 4x3 - ax2 प्लस 2x - 1 और 3x3 + 7x2 7x² - 8x + ax - 1 द्वारा भाग एक द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल रहता है? 22 का जो आंसर है वो 2 होगा। नेक्स्ट है, यदि 2x = 3y = 12z हो तो एक्स वाई बराबर है 23 का जो है वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग एक्स सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई वाई सेंटीमीटर है तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा? 24 का जो है वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, एक शंकु एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार समान है और उनके आयतनों का अनुपात 3.2 है तो शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या बेलन के ऊंचाई के बराबर है। 25 का जो आंसर होगा वो 2 होगा, 9.3.1। नेक्स्ट जो है, इनमें से हिंदी सेक्शन है, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? संधि सही है तो इसका जो राइट आंसर जो था 26 का वो 2 था, 1 + 1 अकेक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का कार प्रत्यय नहीं है? 27 का जो है वो फर्स्ट था, निराकार। नेक्स्ट है, संस्कृत का विलोम शब्द है, 28 का जो है वो 4 था, दुष्कृति। संस्कृति सुकृति का विलोम पूछा था, सुकृति का विलोम जो है वो दुष्कृति है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध आपको छाटना था यहाँ पे 29 में, तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा वो 2 है, पृष्ठभूमि, ये जो है अशुद्ध है, बाकी ये सब क्या है सही है। इनमें से किस विकल्प में एडोजॉन का समानार्थक हिंदी शब्द है? तो 13 का जो आंसर है वो थर्ड है, स्थापित करना, स्थगित करना। नेक्स्ट है,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपके पास ब्लैंक्स दे रखा है, फिर टाइम हैज बीन वास्टेड, 31 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, फ्यू फ्यू टाइम हैज बीन वास्ट, फिर चूज द करेक्ट टेंस, तो इसका जो है 32 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, सा आएगा, सा हर मेकिंग ग्रेट इफोर्ट टू कंप्लीट द असाइंड टास्क, फिर है 33 चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली, तो 33 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड, फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज कर वो चूज करना वो करना था आपको, तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन जो है, मस्ट यू गो सो सून आई सैड, इसका जो नरेशन अगर आप चेंज करेंगे तो आंसर निकलेगा आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून, यानी कि फोर्थ। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, 35 का जो आंसर है वो टू आएगा, अल्टर अल्टर द टेलर वाज ऑर्डर टू अल्टर द शर्ट। नेक्स्ट जो है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, 36 का जो है वो है फर्स्ट, फिर है 31वें विश्व हिंदू सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ, यह किस देश में आयोजित हुआ था, 37 का जो राइट आंसर है वो है टू, मॉरिशियस में। नेपाल ने महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के साथ सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर 38 का वो है फॉर, ए बी सी डी, यानी कि ये सभी जो क्या है शामिल है, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह रोकथाम, छात्रों के स्कूल को कम संख्या तक ठहराओ, यानी कि फोर्थ है इसका। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास 39 है, वो है 3 सितंबर 2018 को चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई आई एस एस एफ चैंपियनशिप में महिलाओं को 10 मीटर राइफल स्पर्धा में क्रमशः चौथे और दूसरे स्थान पर रहने पर अपूर्वी चंदेला और एक अन्य भारतीय निशानेबाज भारतीय निशानेबाजों की पहली समूह बनी है जिन्हें 2020 ओलंपिक खेलों में कोटा स्थान प्राप्त हुआ है, वह अन्य निशानेबाज कौन है, तो 39 का जो आंसर है वो है फर्स्ट, अनुजुम मोदीगिल। फिर है भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि वह भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा, इस अभियान का क्या नाम है, तो 40 का जो राइट आंसर है वो है गगनयान। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में राजस्थान के किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया है, ये 41 का जो है वो फर्स्ट है, 1 सितंबर। नेक्स्ट है 42, भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में रेलवे स्टेशनों में से एक को ए श्रेणी में सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, यह रेलवे स्टेशन कौन सा है, 42 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, फुलेरा। फिर नेक्स्ट है 43, 27 अगस्त 2018 को साइट जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन दोस्तानों के मध्य भरी गई थी, 43 का जो है वो टू होगा, देहरादून तथा दिल्ली के बीच। फिर है किस लेखिका को उसके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 का व्यास सम्मान दिया गया है, तो 44 का जो है 44 का जो है वो है थ्री। नेक्स्ट है 45 का है विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 का उद्घाटन किया गया था, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, 45 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, अमरावती आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 52 GHE में मोलों की संख्या है, ये है 46 का जो है वो है 2 13। नेक्स्ट है जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो 47 का जो है वो है ए, इसकी स्थिति स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या है बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है नीचे दी गई वस्तुओं
में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? 48 का जो है वो होगा थर्ड, द्रव्यमान एम तथा चाल, ओ सॉरी, द्रव्यमान 2m तथा चाल 3b। नेक्स्ट है, किसी आर श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचती है वो है 49 का जो है वो है 4, 10%। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 15 का जो है वो है थर्ड, 46। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है या संबंध है? वो है 51 का जो है वो है थर्ड, संसदीय प्रणाली से। नेक्स्ट है, वे तीन आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है, खालिस्तान में शामिल नहीं है। 52 का है फर्स्ट, आंतरिक अशांति। नेक्स्ट है, संघ की मित्र परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 53 जो है उसका है फॉर लोकसभा के प्रति। संसद के राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 54 का जो है वो है थर्ड। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति के कलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो 55 का जो आंसर है वो होगा फोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राजस्थान में किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? 56 का है 2, बीकानेर की। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो 57 का जो है वह फोर होगा, बूंदी में। नेक्स्ट है 58, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? ये जो है इसका जो राइट आंसर है 58 का वह होगा फोर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर एवं बीकानेर 3 है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन से निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं हुई है? यह है 59 का जो है वो होगा फोर, कपास। नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, एक दिए गए कूटों को चुनिए, सोने जी नासिया, भरतपुर, लोहगढ़ किला, बीकानेर, चंद्र महल, अजमेर, जूनागढ़ किला, जयपुर, इनको क्या आपस में सुमेलित करना चाहिए? इसका जो राइट आंसर जो होगा 60 का वो होगा फोर, ए का थर्ड होगा सोनी जी नासिया अजमेर में, फिर बी का फर्स्ट होगा लोहगढ़ किला भरतपुर, सी का फोर है चंद्रल महल जो है जयपुर में, और जूनागढ़ किला जो है वो बीकानेर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, विद्यालय संबंध के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? तो 61 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, सहयोग, समानता, लचीलापन तथा साझा उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षणिक प्रबंधन से संबंधित है? तो 62 का जो है वो है फॉर, सभी विकल्प इस पे क्या है सही है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? तो 63 का जो राइट आंसर है वो है 2। नेक्स्ट है, शैक्षणिक संस्थाओं को दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए? 64 का जो है वो 2 होगा, 2 में क्या है 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6, स्पष्ट और साझा दृष्टि, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, परिपक्व टीम का उपयोग, परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है? 65 का जो आंसर है वो फोर होगा। आंकड़ों का एकत्रीकरण,
आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का लेखन। नेक्स्ट है, विद्यालय मानचित्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? 66 का जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है 67 CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 67 का जो है वो है फॉर अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें। नेक्स्ट निम्नलिखित ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकों का अनुप्रयोग है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट समूह सम्मिलित है? तो 68 का जो है वो फोर होगा, उपरोक्त सभी सब है इसमें से। नेक्स्ट है एडुसेट सर्वप्रथम कौन से महा एक वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? एडुसेट जो है ये किया गया था 69 का थर्ड है, अगस्त 2011, एक शैक्षणिक उपग्रह है। भारत स्काउट एंड गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है? 17 का जो आंसर है वो है टू, स्काउट एंड गाइड का जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय KGBB का आरंभ हुआ? 71 का जो है वो फोर होगा, 2004 को, कस्तूरबा जो गांधी थी महात्मा गांधी की पत्नी। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर दे तथा निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा? 72 का जो राइट आंसर है वो है फोर, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा? केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व जो है इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा। नेक्स्ट जो है वो है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? 74 का जो है वो फर्स्ट होगा, शैक्षणिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। नेक्स्ट है लास्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पंजाब में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे क्या है 75 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर था। सेकंड पेपर जो है मेरा जो अपना सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी का था, उसका भी जो क्या है आप अगर आप जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हो, आपने ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का पेपर अगर आप देना चाहते हो तो उसके जो क्या क्वेश्चन पेपर जो क्या है आपको क्या है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।